राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना पालनहार का लाभार्थी उत्सव एवं लाभार्थी संवाद सोमवार को आयोजित किया गया। बाड़मेर में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन विश्वकर्मा छात्रावास में किया गया। समारोह में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद सहित कई अतिथियों ने शिरकत की। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक क्लिक के जरिए पालनहार योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि जमा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया। समारोह में पालनहार योजना के 500-500 लाभार्थियों के अलावा जिले के सभी जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रदेश के 5.91 लाख से अधिक पालनहार लाभार्थियों के बैंक खातों में 146.74 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित किए। इसमें बाड़मेर जिले के करीब 21,000 लाभार्थियों के खातों में 3.7 करोड़ रुपए जमा हुए। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद समारोह में कहा कि 9 श्रेणियों में लाभार्थियों को सहायता पहुँचाई जा रही है। सहयोग राशि बढ़ाने से लगभग 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। बाड़मेर में विश्वकर्मा भवन में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और विधायक मेवाराम जैन, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद समेत बड़ी संख्या में लाभार्थी जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहा। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार में शुरू पालनहार योजना को बंद करने के बजाय हमने सहायता राशि और श्रेणियों में बढ़ोतरी की है, जिससे परिवार में ही बच्चों को समुचित देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा सुनिश्चित हो रही है। ये बच्चे बड़े होकर प्रदेश और देश की उन्नति में अपना अहम योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि ये योजना एक अभिनव पहल है, इसे और मजबूत बना रहे हैं। हम सभी की जिम्मेदारी है कि एक भी पात्र बच्चा योजना से वंचित नहीं रहे, मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद में कहा कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और सुनहरे सपनों को साकार करने की हम सभी की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ाएं। मुख्यमंत्री अनुप्रति निःशुल्क कोचिंग योजना में तैयारी कराकर उन्हें आगे बढ़ाएं। संगीत शर्मा जी और हमारे बीच राजस्थान की आवाम के साथ गहरा रिश्ता रखते हैं और अपनी आवाज के साथ। गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने खाद्य, रोजगार, शिक्षा और सूचना का अधिकार पूरे देश में एक समान लागू किया। उसी तरह हमने राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये का प्रावधान किया है। अब केंद्र सरकार भी पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा कानून लागू कर जरूरतमंदों को आर्थिक संबल प्रदान करे। मुख्यमंत्री के लाभार्थियों से संवाद। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के बच्चों से उनके भविष्य को लेकर संवाद किया। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार पालनहार योजना में अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए 750 रुपये प्रति माह और 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1500 रुपये प्रति माह सहायता राशि ली गई। साथ ही कपड़े, स्वेटर, जूते आदि के लिए हर वर्ष 2000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।